हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल में इमेजेस की लिंक से फोटोज को कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऑनलाइन सेलर्स हो तो कई बार आपने ये नोटिस भी किया होगा क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस की लिंक होती है, लेकिन कई बार आपको पता भी नहीं होता है कि लिंक कौन से प्रोडक्ट की है। तो आप क्या करोगे, वन बाय वन उसे चेक करोगे वेब ब्राउजर में, ठीक है। वो चीजें सारी आपको नहीं करनी, इससे टाइम भी आपका ज्यादा कंज्यूम होता है। तो जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, तो विद इन मिनट्स के अंदर जितनी भी आपकी इमेजेस की लिंक होगी वो उसके राइट हैंड साइड में लोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपको पता चल जाएगा ये कौन से प्रोडक्ट की लिंक है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गूगल शीट ओपन कर ली है। गूगल शीट इसीलिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड है, क्योंकि हर एक के पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन तो होगा नहीं, तो वो ये फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने गूगल शीट यहाँ पे प्रेफर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इमेजेस की लिंक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 ही इमेजेस की लिंक ली है, तो कैसी लिंक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से है, ठीक है। और मुझे ये जानना है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं वन बाय वन चेक तो नहीं करूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इजिकल टू करना है और इमेज एंटर करना है, इमेज, ठीक है। जिसे आप इमेज करते हो उसके बाद टैप कर देना है प्रेस, उसके बाद इमेज लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इमेज लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओवर कर देना है, उसके बाद एंटर दे दीजिएगा। तो जैसे आप एंटर देते हो तो प्रोडक्ट का इमेज आपके सामने URL के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि जितनी भी इमेजेस की लिंक है उसके सामने उसका फोटो आ जाए, तो इसको आपको डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक कर देते हो तो सबके फोटोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसकी जो ये फोटो की साइज है ना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिर से फंक्शन F2 करना है, यानी कि F2 प्रेस करना है आपको। तो जो ये B2 है ना यहाँ पे, ये इसका पाथ, वहां पे जाना है और कोमा एंटर करना है। उसके बाद मोड लिखा है तो वहां पे 4 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाइट और विड्थ कितनी चाहिए। मुझे हाइट चाहिए 200 और विड्थ भी 200 ही चाहिए। तो कैसे होगा, कोमा करके हाइट तो हमने एंटर कर दी है, फिर 200 यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप एंटर कर दोगे तो इसका जो हाइट और विड्थ 200 से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।